इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 11, इसमें दो क्वेश्चन को समझना है। पहला क्वेश्चन है, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है। तो अब तो उच्च विभव निम्न विभव जान गया, जैसे मान लो क्यू आवेश से आवेशित कोई आइसोलेटेड चार्ज है, यहाँ धन आवेश से आवेशित और मान करके चलो अनंत से हम इकाई आवेश को बिंदु ए तक लाते हैं, तो अनंत से इकाई आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो यहाँ पर जो विभव होगा इसको हम V1 मान लेते हैं। इसके बाद इकाई आवेश को और हम ये आइसोलेटेड आवेश के क्षेत्र में और नजदीक लाएंगे, मीन्स यहाँ लाते हैं बी बिंदु पर, इसका विभव कितना होगा, मान लो V2। कौन सा विभव, किस बिंदु का विभव अधिक होगा, बी का, इसमें दो मत नहीं है। यहाँ होगा ना, यानी V2 > V1। यहाँ पर ज्यादा विभव है, यहाँ पर कम है, तो इसको कहेंगे उच्च विभव और इसको कहेंगे निम्न विभव। तो ये हो गया तुमको उच्च विभव। बिंदु ए पर हो गया निम्न विभव। इसी तरह अगर मान लो इकाई आवेश को हम फिर यहां लाएंगे तो यहां हो जाएगा उच्च विभव, यहां हो जाएगा निम्न विभव, इसे तुलना करें तो, या यहां हो जाएगा उच्च विभव, इस बिंदु को बाउंड कर दो तो यहां होगा निम्न विभव। अब कल्पना करो अगर हम इकाई आवेश को बिंदु बी पर छोड़ दे तो किस दिशा में ये इकाई आवेश भागेगा। चूंकि हम प्रतिकर्षण बल के ये क्यू आवेश धनावेशित, ये पिंड धनावेशित पिंड है क्यू आवेश से, और हम क्यू आवेश वाले पिंड को ही ला रहे हैं, स्मॉल क्यू धनावेशित ये भी है, ये तो समान आवेश में विकर्षण बल काम करेगा। इसके द्वारा लगाए गए इस पर जो विकर्षण बल होता है इसके विरोध में हम ला रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति में मान लो इस इकाई आवेश को या क्यू आवेश को हम बिंदु भी तक लाएंगे, बी बिंदु तक लाएंगे, और यहाँ लाने पर इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो इसके प्रतिकर्षण बल के कारण ये इस दाई ओर भागेगा, और दाई ओर का क्षेत्र कैसा है, ये उच्च विभव, तो आगे निम्न विभव, फिर आगे निम्न विभव, दाई ओर बढ़ते जाओगे तो विभव घटता जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका अर्थ है धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है। क्लियर हो रहा है?
अगर हम क्यू आवेश को जो धन आवेश से आवेशित है इस बिंदु पर लाएंगे तो यहाँ भी इसका विभव निकाला जा सकता है फॉर्मूला से, या इकाई आवेश को ही लाएंगे इस बिंदु पर और पुनः इस बिंदु पर लाएंगे तो यहाँ के विभव से इस बिंदु के विभव से इस बिंदु का विभव अधिक होगा। यानी हम लोग आइसोलेटेड चार्ज के नजदीक जितना ही बढ़ते हैं विभव उतना ही बढ़ता जाता है, इससे दूर बढ़ने पर विभव घटता जाता है। तो इस इकाई आवेश को कहीं भी हम लोग यहाँ लाएंगे तो पर भी ये इसके प्रति और स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे, लाने पर स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे तो इसके प्रतिकर्षण बल से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होगा। भगवान किसी भी सूरत में कहीं भी लाए जाने पर छोड़ने पर ये निम्न विभव की ओर गतिशील होगा प्रतिकर्षण बल के कारण। इसका अर्थ है धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है। तो लिखो इसका, आप लिखा देते हैं व्याख्या, ये चित्र बनाओ इसके बाद लिखो। तो
તકલીફ હતો इसमें वही बात जो समझाए हैं इसको लिख दिए हैं है ना निष्कर्ष में क्या लिखाएगा धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता ये पंक्ति लिख लो और इसके बाद ये इसको डिफाइन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है तो देखो कोई दो गोला लो धातु का बना हुआ गोला और ये दूसरा गोला लो ये गोला हुआ ए नाम दे दो ये बी दोनों धातु का बना गोला है इसको धन आवेश से आवेशित कर दो और इसको ऋण आवेश से आवेशित कर दो तो धन आवेश से आवेशित गोला का विभव उच्च विभव कहलाता है ये मालूम है ना ये यहां बनेगा तुमको उच्च विभव यहां विभव अब तो दोनों गोला को धातु के इस गोले को एक तांबे के तार से जोड़ दो बोलो प्रोटॉन का प्रवाह तो नहीं होता है ये धनावेशित है इसका मतलब ये किसका लूजर है इलेक्ट्रॉन का लूजर है ये ऋण आवेशित है इलेक्ट्रॉन गेन किया इलेक्ट्रॉन का गेनर है अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होगा गोला बी से गोला ए की ओर होगा और ये गोला बी निम्न विभव का क्षेत्र है इसका विभव निम्न है पोटेंशियल इसका हाई है ज्यादा है उच्च है तो इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है क्लियर है समझा बात को तो चलो लिखना चालू करो तो
विभव से धन विभव, उच्च विभव चाहे धन विभव, उसके ऊपर वाला लाइन। अरे ई वाला जी इलेक्ट्रॉन लिखे हैं यहाँ पे, हाँ इसके नीचे, हाँ इसको पढ़िए, निम्न विभव से धन विभव की ओर चाहे उच्च विभव की ओर, जो धन है ठीक है, ये भी ठीक है था। तो हाँ। अभी कंसेप्ट उच्च विभव का है, चलो हाँ चेतन इसको समझ गया ना। निम्न विभव को हम लोग ऋण विभव भी कहते हैं, उच्च विभव को धन विभव भी कहते हैं। तो इतनी बात को समझ गया। तो अगला टॉपिक जो है ना बैटरी सेल के बारे में रहेगा।